और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। राम के नाम से मिलती है प्रेरणा, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है। सतना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, देश में राम मंदिर का भव्य निर्माण। आपको बता दें मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहीं पर चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से बात सामने आई है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है और ये राम काज जो है वो चलते रहना चाहिए। सतना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया है। तो फिलहाल हर कोई जो है वो राम मंदिर के भव्य निर्माण की ओर निगाहें लगाया हुआ है। राम के नाम से मिलती है प्रेरणा, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। और राम का ये जो कार्य चल रहा है, इस कार्य को लेकर हर कोई अपनी तरफ से भी इनिशिएट दे रहा है राम कार्य को लेकर। और हम जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उससे भी जानकारी देने की आपको कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी समझ पाए कि किस तरीके का काम जो है वो फिलहाल चल रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन अब बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में देखना होगा क्या महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या वासियों के लिए निकल कर आते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं खर स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। अजीत, जाहिर तौर पर कैबिनेट की जब बैठक अयोध्या में खासकर रखी गई है तो अयोध्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले जरूर यहां पर से निकल के आएंगे। देखिए बिल्कुल शिल्पा, जरूर यहां से बड़े फैसले निकल कर आएंगे। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रही थी, उन्होंने लास्ट में कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, यानी भगवान राम उन्हें तेजी से दौड़ने की और काम करने की प्रेरणा देते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक ठीक पीछे चल रही है। देखिए दो इलेक्ट्रिक बसें हैं जिस बसें से पूरी कैबिनेट यहां पर आई है, पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन, फिर रामलला का दर्शन और उसके बाद आप देखिए कैबिनेट बैठक चल रही है। और अयोध्या को लेकर आज कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले होने वाले हैं। कहा जाता है रात के ललाट पर रश्मियों का विस्तार, यानी अगर इस बात की पंक्ति पर जाइए, जनक सुता समेत रघुराई पेरस मन समुदाय, यानी जो पंक्तियां हैं प्रविष्ट नगर कीजिए सबका जा हृदय राज कोसलपुर राजा, तो राजा राम के दरबार में सरकार उत्तर प्रदेश की आज है। तो कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा फैसला अयोध्या काशी मथुरा चित्रकूट और प्रयागराज को जल मार्ग से यानी सरयू नदी से गंगा नदी तक गोमती नदी तक जोड़ा जाएगा। अंतरदेशी जल प्राधिकरण मार्ग का गठन होगा, इसलिए परिवहन मंत्री को बुलाया गया है। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव हैं, लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव हैं, आवास विकास के प्रस्ताव हैं, 35,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और आज खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर से बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो अयोध्या के लिए निकल के आएगी, अयोध्या वासियों के लिए निकल के आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए।